मैं आया था बलिया के जनेश्वर मिश्रा पार्क में, और एक्चुअली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो पार्क होगा काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी बेहतरीन जगह होगी देखने के लिए। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, ये पार्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और बीच में जो पानी भी था वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा था। यहाँ पे एक जनेश्वर जी की एक मूर्ति लगी हुई है, तो मैं आप सभी लोगों को वो एक बार दिखाता हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस हिसाब से यह प्लेस नहीं है, बट जो भी है सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ कैसा है कैसा नहीं। पहले जी में वाटर पानी वगैरह भी बिल्कुल गंदा कर रखा है। कैसा लग रहा है भाई पार्क, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कबाड़ा भी देख के अच्छा लग रहा है। इन क्लीननेस की बात करता हूँ तो बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं है। एक बार दिखाता हूँ मैं कैसा है इसका, ये बिल्कुल गंदगी भरी पड़ी है। इससे बढ़िया तो मैं किसी और जगह चला गया होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, या फिर किसी टेंपल में, बट कोई बात नहीं, अभी तक मैंने देखा नहीं था तो अब देख लिया है। दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्लेस, बहुत ही कवाड़ा जगह है, जिस हिसाब से नाम था उस हिसाब से तो बिल्कुल बेकार जगह है। काफ़ी सारे लोग, जैसे कि हमेशा होता है, सारे के सारे लोग मुझे ही देखे जा रहे हैं कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। देखा आपने लोगों का रिएक्शन, यहाँ झूले भी लगे और इसके अलावा ये एक बार मैं चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ कैसा है। क्या तो इसके अलावा देखता हूँ, अगर और भी कोई चीज़ अगर आपको दिखाने लायक होगी तो मैं दिखाता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं एग्जिट गेट की तरफ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इस पार्क की बुराई ही बुराई कर रहा हूँ, बट जो भी रियलिटी है उस चीज़ के बारे में मैंने आप सभी लोगों से बात करी है। यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश वन विभाग दृष्टि, हमारा लक्ष्य क्या लिखा है पढ़ो को। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी झील है वो भी बहुत ज़्यादा गंदी है, जो मुझे नहीं लगता है तो देखने लायक है। टीका हम लगाते हैं ना, हाँ टीका इसलिए लगाते हैं कि आत्मा यहीं पर वास करती है, वास करती है यहीं पर, और शरीर को यहीं, जैसे ड्राइवर एक गाड़ी को चलाता है कंट्रोल। ये सब सारी की सारी जो चीज़ें थी फालतू की थी, इसलिए मैंने आप सभी लोगों को दिखाया नहीं। इसके अलावा और जो चीज़ें थी यहाँ पे दिखाने लायक नहीं थी, बिल्कुल ही बकवास जगह थी। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू कम दिस प्लेस। एक तो पहली चीज़ ये है कि तो पुरानी जगह, उसको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना रखा है, नीट एंड क्लीन नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पे आने का मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि हालांकि जाना किधर है, तो अब मैं जा रहा हूँ बाइक के पास, और ये थी मेरी बाइक। Yeah.
सो जनेश्वर पार्क, जनेश्वर मिश्रा पार्क घूमने के बाद मैं आया हूँ ब्रह्माइंड टेम्पल, जो कि बलिया में वन ऑफ द मोस्ट काफ़ी फेमस टेम्पल है। तो चलिए अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है ये मंदिर। एक बार मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से कैसा दिखता है इस तरीके से। कैसे जानते हैं, बाहर की मार्केट लगी हुई है और लोग बिल्कुल, देखा जाए तो गांव के अंदर ये पूरा टेम्पल बना हुआ है। शाम का समय हो चुका है जिसकी वजह से काफ़ी अंधेरा हो चुका है। ये है मंदिर, और ये है नया मंदिर। धुआई ना कहाँ होने। इसके अलावा ये बाहर वाला पार्ट है, और एक चीज़ और है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि आप ब्रह्माइंड का टेंपल देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अभी तक फ़िलहाल जहाँ तक मुझे पता है अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं है। और इसके अलावा यहाँ कुंड की जगह है, हवन हो रखा है यहाँ पे। यहाँ नवरात्रों के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, अभी तो न्यू ईयर है अभी कोई खास ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये मंदिर नौ दुर्गाओं में से माँ ब्रह्मारी ब्रह्मचारिणी देवी जी का दूसरा स्वरूप है। ये जैसे रुद्राणी, जो शिव की रुद्राणी होती हैं, माँ ब्रह्मारी ब्रह्म लोक से इनका संबंध है, और दुर्गा सप्तशती और मार्कंडेय पुराण में इनके बारे में विशेष तौर से बताया गया है। दुर्गा मार्कंडेय पुराण के 18वें अध्याय में इनके बारे में, और दुर्गा सप्तशती तो पूरा इनके ही बारे में है। ये है, आप इसको वहाँ भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हालांकि इस मंदिर के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये मंदिर, काफ़ी स्पिरिचुअल प्लेस है, यहाँ पे आने का काफ़ी शांति आपको महसूस होगी। अगर आप बलिया से हैं तो आप आ सकते हैं।